हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और अभी 11:30 हो रहे हैं और आज का हमारा प्लान है कि हम जाएंगे इस्कॉन टेंपल, और उससे पहले शायद जाएं हम लोटस टेंपल भी। लोटस टेंपल का कुछ अभी पक्का है नहीं, पर इस्कॉन टेंपल का है कि हाँ हम जाएंगे। और अभी तो यहाँ पर फिलहाल कोई है नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो पहले सबको काम करने देते, वरना मैं अकेला अकेले ब्लॉग कहाँ क्या ही बनाऊँ। तो अभी 2 बज गए, लंच का टाइम हो गया, तो चाची तो गई हुई है, तो बाकी सृष्टि ने खा लिया, उसको जल्दी भूख लग जाती है। जल्दी से हम लंच करते हैं क्योंकि हमको आज जाना है। तो अभी लंच ले आई हूँ मैं, लंच में है दाल वाले चावल और रायता। तो अब मैं फाइनली ट्यूशन से तो आ गई हूँ, और इससे पहले ज़्यादा कुछ ब्लॉग बन नहीं पाया क्योंकि बब्बू काम कर जा रही थी अपने ऑफिस का, फिर मैं भी अकेले अकेले क्या ही बनाती, क्या ही दिखाती फिर। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। और बब्बू भी प्रेस कर रही है कपड़े, करते रहो। ये कपड़े मैं किसके लिए प्रेस कर रही हूँ? मेरे लिए। तो क्या हो गया गाइस, देख लो क्या तेरा मेरा करती है। तो आज हम कुछ नया लुक लेके जा रहे हैं, तो अभी हम रेडी हो जाते हैं फिर चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। पहले तो देखना पड़ेगा सबसे यहाँ भी आ नहीं आ रहा। तो अभी हम रेडी तो हो चुके हैं, बब्बू गुस्सा आ गई कि मैंने अपनी सैंडल पहनी, ये नहीं कि मैंने उसकी सैंडल पहनी, नहीं मैंने अपनी सैंडल पहनी, उसमें भी चिढ़ रही है। तो तूने मेरी ड्रेस पहनी है, क्या अंतर है इसमें और इसमें? तो कुछ अंतर नहीं है भाई, मेरी साइज की नहीं है। अच्छा? नहीं है, मेरे पैर एक साइज के हैं। नहीं है, ये देख कितनी छोटी है, चिढ़ रही है गाइस, मैं ज्यादा सुंदर लग रही। तो इसने पहले भी बोला था मेरे का ड्रेस क्यों मेरी पहनी तो नहीं, वाह क्योंकि तू इससे पहले कुछ और पहन रही थी। गाइस ये मेरे से चिढ़ रही है कि मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, मेरे कपड़े पहन के ए देख चिड़गी। चलो भाई कैसी लग रही हूँ? तो बहुत पुरानी है, अब ये बताना जरूरी है, मैं ये पूछ रही हूँ कैसी लग रही हूँ। हमारे कूलर का कपड़ा सेम ऐसी है, इसकी स्कर्ट जैसा, उसी में स्कर्ट में हमने फाड़ के ना कूलर में लगाया था, हम इसको बोले बता लग नहीं रही, हमारा कूलर पुराना कूलर। पता नहीं चलता कि, अरे तो मैं ऑफिस के लिए इधर से उधर निकल जाता हूँ। भगवान जी ने ब्लॉग बनाया, लाइट ऑन कर दी मेट्रो वाले की तरफ से। सृष्टि यूलू में चले जा बैठ के, पैसे दे मैं चली जाऊंगी। चलानी आती है, अच्छी है। ये घाघरा पहन के कहाँ यूलू चलाएगी? एक तो कोई ऑटो नहीं मिल रहा यार इतनी बड़ी रोड पे, सारे ऑटो वाले यहीं खड़े थे, जैसे पुणे में सब गायब। तब हम फाइनली पहुंच गए इस्कॉन टेंपल। सृष्टि तेरे को प्रसाद मिल गया ना इतनी भीड़ में? स्पेशल भगवान ने सीधा तेरे हाथ में आया ये प्रसाद। सृष्टि अभी वो चलेंगे ना देखने, जो लाइट शो होता है, पापा से पूछ। अरे टाइम होगा तो अपने हाथ धो के आती हूँ। एक अच्छी बहुत अच्छी बात है, इतनी भीड़ में मतलब प्रसाद मिलना और ये माला मिलना बड़ा टफ है, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे थ्रो कर देते हैं जिसके हाथ में जाता है वो, तो ये प्रसाद सीधा सृष्टि के हाथ में देके आगे पंडित जी आए, सीधा उसके हाथ में दिया और माला भी सीधा उसके पास पहुँची है। तो सृष्टि पूरी कृष्ण भक्त हो गई है आज, कलर भी वही पहन के आई है, राधा बन गई राधा। अभी वो हाँ ऑडिटोरियम चल रहा है, चलो मैं हाथ धो लूँ एक। ठीक है, ये हमने बुक भी ली है। तो अभी हमने प्रसाद ले लिया है, प्रसाद में खिचड़ी मस्त हो रही है, आगे देखो मस्त है ना। तो अभी हमने दर्शन तो कर लिया, अभी यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स हैं, जाए कि नहीं जाए, देख सकते हैं। तब हम जाके देखते हैं कि क्या क्या सामान है और खरीदेंगे एक दो। अच्छा ये सुंदर है, तेरी ड्रेस के साथ मैच भी कर रहा है, ये ले लेते हैं। अरे मेरा होगा, ये मत बोलो ये फिर मेरा है, ये मेरा है। हमने यहाँ से दो चीज ले ली है, एक बब्बू की और एक मेरी। पापा प्रसाद भी लेकर आएंगे, पानी भी, अब अंदर इतना वो देखते हैं ना, ऑडियम
पर अंदर इतना मस्त ऐसे चला था, बाहर आके हाय हम बाहर क्यों आए। तो अब ऑडिटोरियम का मतलब शो देखने का टाइम तो खत्म हो गया है, पर एक बार देख तो सकते हैं ना। शायद अगर खुला हो तो, लग तो रहा है। चलो तो मेरा एक छोटा भाई है कजन, तो मैंने उसके लिए पर बिल मैं नहीं करूँगी। तो अभी हमने कुछ कुछ सामान तो ले लिया है और अब हम जा रहे खाना खाने, यहीं खाएंगे हम, कहीं बाहर नहीं जा रहे। तो अभी चलते हैं खाना खाने यहीं। किधर है पापा को पता भाई। तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। हम इस्कॉन में एक रेस्टोरेंट है, हम वहीं जाके खाते हैं। और क्या खाते पता नहीं। तब हम रेस्टोरेंट से बाहर आ गए क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बुफे था, ऐसे मतलब हम अपनी तरफ से कुछ मंगा नहीं सकते थे, तो लिमिटेड ही ऑप्शंस थे। मतलब जो वहाँ पे वही खाना बुफे वगैरह था और थोड़ा बहुत महंगा भी था, तो हम इसलिए बाहर आ गए। याद आते चलो खाएंगे क्या बोलते बड़ा। तो अभी हम साउथ एक्स मार्केट तक पहुंच गए, पर इधर हमें दूर दूर तक हल्दीराम नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो था लाजपत नगर में। पापा ने फिर हमें ऐसी गोल गोल घुमा दिया। खाना है वड़ा पाव, वो कहाँ मिलेगा हल्दीराम में। तो अब हम साउथ एक्स में नहीं खा रहे क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक हल्दीराम है ही नहीं। और चाचा ने बोला मैंने देखा है, जबकि मैं बता रही हूँ मैप में 3 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। 35 मिनट वॉकिंग। ऑटो वाले को भी फालतू के पैसे दे दिए यहाँ तक आने के लिए, इससे बढ़िया हम सीधा घर के। अब हम घर ही जा रहे हैं, घर के पास से खाएंगे। अब घर में हल्दीराम को हमें पता, और हमने घर में भी बोल दिया हाँ हम बाहर से खा के आएंगे और वहाँ पे हल्दीराम हमें पता है। वही जगह पे आ गए जहाँ पे हम डेली आते ही रहते हैं पापा की वजह से। सब देखो तुमने कहा था हल्दीराम, मैं हल्दीराम दे आया ना तुमसे। कितना चला है हमने, चलो चलो जल्दी करो लेट हो रहा है। ये आ गए हैं हमारे गर्मा गर्म छोले भटूरे, अभी पापा वो भी ला रहे होंगे वड़ा पाव। गरम कर रहा हूँ खाली टोपी वाला, वो पाव लगा रहा है। गरम कर रहा हूँ। क्या बोला था, क्या बोला था? पाव बड़ा पाव जो है उसका, वो तुम्हारा भूल गया हुआ वो लगा रहा है। तो ये क्या है फिर? अच्छा मुझे लगा वड़ा पाव, ये निकालते नए स्टाइल का वड़ा पाव। तो अब हमारे वड़ा पाव भी आ गए, पिछली बार मेरे को कितनी सी मिर्ची मिली थी। तो अब हम निकल रहे हैं, खाना पीना हो गया है, लेट भी हो गए हैं काफी, बहुत डांट पड़ने वाली है। झूला झूलेगी कुल्फी एक बोला, घर पे डांटना पड़े इसलिए कुल्फी देना तो पड़ता है। रिश्वत नहीं, क्या बोलेंगे इसे, रिश्वत घर वालों बोलेंगे। तो अभी हम घर पहुंच गए हैं, कहीं ताला भी लग गया था, अभी ताला भी खुलवाया है। बहू जी यही नारियल है जो सिर्फ मेरे हाथ में आया, मेरी लेमन वाली। लेमन थी क्या और क्या? तो हमने सबको आइसक्रीम भी बांट दी और सब तो सोए गए घर पे, तो ज्यादा किसी के साथ फिर ब्लॉग शूट किया नहीं हमने। और आज हम इस्कॉन टेम्पल गए थे तो बहुत मजा आया, वहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी थी है। और कल सबसे मेन कल जाना है ड्राइविंग सीखने फाइनली। नहीं नहीं सुबह सुबह जाना है, तो मैं और चाचा ही जाएंगे ड्राइविंग सीखने पहले। तो अभी हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय। इस्कॉन के टेम्पल पे हम यहाँ पे खाना खाएंगे।